हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है। अभी जल्दी से ही सभी सेशन से जुड़ जाएगा, साथ ही इस सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा कि भाई वह सभी भी क्लास से यहाँ पर जुड़ सके। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि आज आप लोगों के लिए 11 AM है ना, और साथ ही शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन रहने वाला है। और आज की स्पेशल क्लास में शाम को 7 बजे आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगी, यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री से लेकर के हम लोग यहाँ पर आज अपने 100 questions को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ शाम को 7 बजे जरूर जुड़ जाइएगा, जिनको भी भाई यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। बल्कि जितनी बार आप रिवीजन करो उतना ही कम है। हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन सभी में रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है ताकि चीज़ें आपको याद रहें। तो आप अपना रिवीजन करने के लिए जरूर क्लास से यहाँ पर शाम को 7 बजे जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज 11 बजे की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कि है यहाँ पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई हम लोग क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी जरा अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आप सभी आंसर करना स्टार्ट करेंगे, क्या भाई आपका आंसर जो है यहाँ पर हमारा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, बस ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे फिर आप लोगों को ना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं, उनके सामने आप लोगों को उनके हेडक्वार्टर के नाम दिए गए हैं और आपको आंसर करके बताना है क्या रहेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं, तो भाई यह कहाँ पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात की जाए, ICJ, क्या हो जाएगा ICJ, ठीक है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और यह है UNO का ही एक ऑर्गन है, एक अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहां पर है, दी हेग, और हेग की बात कर लेते हैं कहां पर है, सो भाई यह है आपका नीदरलैंड में। कहां पर है, नीदरलैंड में, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं कहां पर है, तो यह है रोम में, जो कि इटली की, जो कि भाई इटली की कैपिटल है। ये मैंने आपको याद भी कराया था कि देखो खाने की जरूरत हमारे रोम रोम को होती है, यानी कि भाई हम लोग एनर्जेटिक कब होते हैं, जब हम खाते हैं, खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है। तो खाने की जरूरत हमारे रोम रोम, कहते हैं ना शरीर के हर एक अंग को है, रोम रोम को है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं कि फूड यानी कि रोम रोम। यूनेस्को की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह है पेरिस में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर पेरिस यानी कि 5, और डी का क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का 1st, ठीक है। सो 4, 2, 5, 1 जिन्होंने आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर उन्होंने किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पे आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें यहाँ पर आप लोगों को जो 4 पेयर दिए गए हैं, कोई एक ही इसमें आप लोगों को सही दिया गया है, बताइए कि वह कौन सा है। ये 4 संगठन के नाम आपको दिए गए हैं, आंसर करेंगे भाई सभी क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करके बताएंगे कि इन 4 में से कौन सा यहाँ पे आप लोगों को सही दिया गया है, चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल जरा देख लेते हैं। देखो अभी मैंने आप लोगों को यूनेस्को के बारे में बताया कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में थोड़ी ना हो, कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में है, ठीक है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लेते हैं, पेरिस में नहीं है बल्कि Washington DC में है, ठीक है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, जिनेवा में, जिनेवा में, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है।
और यदि हम UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना जो की है यह ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये बात याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, जो कि डी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ये बिल्कुल सही तरह से यहाँ पर मैच था, ठीक है, बाकी सभी इसमें आप लोगों को मैच नहीं दिए गए थे। द नेक्स्ट है कि भाई इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें न्यायाधीशों की जो कि संख्या होती है वह कितनी होती है ये आप लोगों को बताना है, साथ ही इनका टेन्योर भी बताना है, यानी कि जो कि कार्यकाल इनका होता है यह कितना होता है, आंसर कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर करके फटाफट से सभी बताएंगे। चलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आंसर कीजिएगा, आईसीजे। देखो इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन है, यह कब हुआ है, 1945 में हुआ है, आप सभी जानते हैं। और क्या हो जाएगा, यह यूएनओ के एक मोर एक मेन ऑर्गन में से यह है एक है, ठीक है। यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कहां पर है, दी हेग में है, क्या हो जाएगा, दी हेग, जो कि आपका नीदरलैंड का एक शहर है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और यहां पर टोटल जजेस की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 15 होती है, जिसमें कि एक तो होता है मुख्य जज और बाकी के 14 जो होते हैं यह आपके अदर जजेस होते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाकी के 14 जो कि होते हैं यह अदर जजेस होते हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत से दलवीर भंडारी, जो कि हैं वह इन मुख्य जजेस में यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं, तो 9 ईयर्स का यानी कि 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, 9 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो क्या रहेगा भाई यहाँ पे अपना 15 जो कि है यह है हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। द नेक्स्ट आ जाते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए। चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, आप जरा आंसर कीजिएगा, तो भाई 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और जिस डेट में यानी कि 7 अप्रैल को इसका फॉर्मेशन हुआ है इसे वर्ल्ड हेल्थ, डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है, जिनेवा में। प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस अडनोम, जो कि है यह इसके अध्यक्ष हैं, एज अ जो कि डॉक्टर जनरल होते हैं वह यहाँ पर है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, टेड्रोस अडनोम, ठीक है, जो कि इथोपिया देश से हैं, कहाँ से हैं, यह है इथोपिया देश से, ये बात याद रखिएगा, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन में, यहाँ पे बताएंगे फटाफट से जल्दी से मुझे कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप सभी, ठीक है। चलिए ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ चलते हैं, द नेक्स्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, जो कि संगठन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, आंसर कीजिएगा। 4 देशों के नाम दिए गए हैं, कौन सा इसका सदस्य नहीं है यह आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके बताना है, आंसर करेंगे फटाफट से क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या रहेगा इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो भाई 8 दिसंबर 1985 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं सार्क की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है, ठीक है। अगर बिम्स्टैक की बात करें ना, तो बिम्स्टैक का जो हेडक्वार्टर है यह ढाका में है, कहाँ पर है, ढाका में है उसका हेडक्वार्टर। चलिए
इसके मेंबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ कि आप लोगों को पूरा लिस्ट ही लिख करके दिखा देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। यहाँ पर इसके सदस्य की बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, भूटान है, ठीक है, इंडिया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो सदस्य है कौन है, यहाँ पर इंडिया है एंड मालदीव है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, मालदीव, ठीक है, नेपाल है और पाकिस्तान है। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। तो यह सभी यानी कि 3, 2, 6, 7 और 8 यह सभी क्या है प्रेजेंट टाइम में भाई इसके यहाँ पर सदस्य बने हुए हैं, यानी कि 8 देश जो कि हैं यह इसके सदस्य हैं और 9 है इसके ऑब्जर्वर देश, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से सिंगापुर जो कि है यह नहीं है, ठीक है, सिंगापुर इसका सदस्य नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और यह है जो कि दक्षिण एशिया में देश है ना, यानी कि साउथ एशियन है, यह है जो कि साउथ एशियन है, साउथ एशियन है, उनका एसोसिएशन है, एसोसिएशन है किस लिए, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। यह इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट आंसर करेंगे। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा उसे अपॉइंट किया जाता है, और ये भी बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में कौन है। चलिए चलिए प्रेजेंट टाइम में भाई कौन है, आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ कौन है ना, और आपको ये भी बताना है कि भाई कौन इन्हें नियुक्त करता है, आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा, कौन इन्हें नियुक्त करता है बताएंगे आप सभी। चलिए देख लेते हैं क्या रहेगा। तो भाई जो कि इनकी नियुक्ति की जाती है यह महासभा के द्वारा की जाती है, महासभा के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के साथ में इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और करंट टाइम में कौन है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट टाइम की बात कर लेते हैं तो कौन है भाई यहाँ पर, चलिए कौन है, एंटोनियो गुटेरेश, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा भाई, एंटोनियो गुटेरेश है, ठीक है, याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेश है जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं, यह पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर यह 9th नंबर के एज अ सेक्रेटरी जनरल है। और जो सेक्रेटरी जनरल होता है यह यूएनओ का मुख्य रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि आप यह भी कह सकते हैं जैसे कि किसी एक देश का जो नागरिक होता है मुख्य, वह उसका राष्ट्रपति होता है, इसी तरह से यूएनओ का जो कि एक मुख्य नागरिक है वह इसका जो कि सेक्रेटरी जनरल होता है वो होता है, जो कि कौन है प्रेजेंट टाइम में, एंटोनी गुटेरेश है। द नेक्स्ट है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन कंसिस्ट ऑफ ओके, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल है कौन, बताइए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं तो यह यूएनओ का ही यह एक ऑर्गन है ना, जिसे कि पुलिसमैन भी कहा जाता है और ब्लू हेलमेट भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, साथ ही इन्हें पीस कीपर भी कहा जाता है, पीस कीपर जो कि मतलब शांति को बनाए रख रहे हैं, पीस कीपर भी इन्हें कहा जाता है। इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं ना, टोटल जो इसमें मेंबर्स होते हैं यह होते हैं 15, जिसमें कि 5 तो होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। क्या आप लोग मुझे इन परमानेंट वालों की संख्या बताएंगे, चलिए ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो परमानेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, आंसर कीजिए, जो परमानेंट होते हैं भाई वह कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। परमानेंट जो होते हैं 5 वह कौन कौन से हैं, तो ऐसे करके आप याद रख लेना, यूएसए, यूएसएसएसआर एंड यूके, 3 तो ये हो गए, बाकी है यहाँ पर फ्रांस एंड चाइना है, यह कैसे हैं, यह परमानेंट है इसमें, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करेंगे सभी कि भाई वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड, बताएंगे। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है बताएंगे आप सभी। चलिए
यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है भाई, यह है कहाँ पर है? आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है। चलिए बिल्कुल सही, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है? ब्रुसेल में। क्या हो जाएगा? इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है? यह है ब्रुसेल्स में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है यह कब हुआ है? 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। जिस तरह से यूएनओ ऑल वर्ल्ड पर, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक तरह से यह काम करता है, ठीक है, काम करता है, उसी तरह से यूरोप के देशों के विकास के लिए यूरोपियन यूनियन का गठन किया हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के लगभग 27 जो कि नेशंस हैं वह इसके सदस्य हैं, याद रखिएगा। और यह है यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए यह काम करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन भी बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो कि है इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए। इंटरपोल का जो कि हेडक्वार्टर है यह है कहाँ पर है, आंसर कीजिएगा। चलिए इंटरपोल बताएंगे आप सभी, हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो फॉर्मेशन यानी कि गठन किया गया था यह 1923 में किया गया था। और कहां पर है इसका बताएंगे, लंदन में है, पेरिस में है, बॉन में है या फिर मॉन्ट्रियल में है, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा यहां पर। तो इसमें याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सो पेरिस के लियोन में इसका शहर, इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि आप जानते ही है कि यह है फ्रांस में है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है बताइए, आंसर करेंगे। यानी कि इनमें से वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएनओ के द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से नहीं है बताएंगे आप सभी, आंसर करके क्या हो जाएगा। चलिए कौन सा इनमें से यूएनओ के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं है? ILO है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO या फिर आसियान, बताएंगे कौन सा यहाँ पर नहीं है, चलिए आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशंस, एशियन, यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि स्वतंत्र रूप से बनाई गई। जैसे कि होता है ना कभी कभी, जैसे कि हम बात कर ले तो एक तो होता है जैसे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए गए, और एक होता है कि आपने अपना ही ग्रुप बना लिया चार पांच लोगों ने मिलकर के और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ग्रुप में, मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग में बैठाया गया है सभी को साथ में काम करने के लिए। तो यह कुछ इस तरह का ही एक इंडिपेंडेंट क्या है, एक संगठन है आसियान, जो कि क्या काम करता है, यह जो भी यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं उनके आपस में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का यह काम करता है, ठीक है, आसियान यहाँ पे याद रखिएगा। और भारत इसका सदस्य नहीं है ये भी याद रखिएगा, मेंबर, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। चलिए देन नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की एक विशेष एजेंसी नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा यूएनओ एजेंसी नहीं बताइए। चार एजेंसीज के नाम दिए गए हैं, कौन सी एक विशेष एजेंसी के लिए यहाँ पर जाना जाता है जिसकी स्थापना यूएनओ के द्वारा यहाँ पर नहीं की गई है? चलिए देखो, FAO की भी की गई है, यूनेस्को की भी की गई है, यूनिवर्सल पोस्टल की भी की है, लेकिन SAARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और अभी तो हमने देखा था इसके बारे में कि यह क्या है, यह रीजनल कॉरपोरेशन है, यानी कि जो सहयोगी देश हैं उनके विकास के लिए यह काम करता है, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है, क्षेत्रीय सहयोग प्रदान करता है कि भाई
आपको किसी चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। आपको अपने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर भी कोई टेम्पल बनवाना है, हमारे यहाँ पर ऐसा बनता है, तो आप भी ऐसा बनवा सकते हैं, आपके यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करना कि भाई हम तो विकास कर ही रहे हैं, आप भी साथ में विकास कीजिए, इसके लिए यह संगठन बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई यूनेस्को का हम लोग देख ही चुके हैं, 1945 में इसकी स्थापना हुई है, एंड इसका जो कि एड्रे ऑड्रे एजुले इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो यह है पेरिस में। क्या हो जाएगा भाई? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि भाई यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यह है पेरिस में आपका स्थित है। क्लियर है चीजें? फिर आगे बढ़े हम लोग द नेक्स्ट यहाँ पर। चलिए आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? तो अभी मैंने सार्क के सदस्यों के बारे में आप लोगों को लिखवाया था, इनमें से अगर हम बात करते हैं तो कौन सा इसका सदस्य नहीं है? भाई इसके 8 मेंबर्स हैं, और बिल्कुल सार्क के मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोगों से। तो क्या हो जाएगा? म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, भारत है, मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सभी इसके सदस्य हैं, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। चलिए द नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आसियान मेंबर्स? आसियान देशों की अगर बात कर लेते हैं तो कौन इसका सदस्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे बताएंगे आप सभी? चलिए आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए देख लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक काम करती हूँ, इसके भी जितने भी सदस्य है ना सभी के ही नाम ही लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ब्रुनेई है, ठीक है, यहाँ पर भूटान है, कंबोडिया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का इसका? कंबोडिया है, देन इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाओस, ठीक है। और लाओस के बाद में यहाँ पर आपका जो कि है मलेशिया भी है, म्यांमार भी है, मलेशिया, मलेशिया भी है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यांमार भी है इसका सदस्य, और इसके साथ ही यहाँ पर फिलीपींस भी है। क्या हो जाएगा? फिलीपींस भी है इसका सदस्य, है ना। इसके साथ ही सिंगापुर भी है। क्या हो जाएगा? सिंगापुर भी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिंगापुर भी है, और थाईलैंड और वियतनाम भी, लिखा तो नहीं है ना मैंने कहीं, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब देखते हैं कोई सब भूल तो नहीं गई मैं। और यहाँ पर ये मैंने 11 लिख दिए क्या इसके नाम? इसमें ये देखना, इसमें भूटान नहीं है। क्या हो जाएगा? भूटान, भूटान इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पर जो कि ये 10 नेशंस हैं, यह इसके सदस्य है। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं, कंबोडिया भी है, लाओस भी है, फिलीपींस भी है, लेकिन चाइना जो कि है यह इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी जो है यह इसके सदस्य हैं। ये आसियान नेशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसके मेंबर्स के ऊपर हाँ आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए बाकी इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, इसका गठन कब हुआ है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो जकार्ता में जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल यहाँ पर अभी तो है, बोर्निया द्वीप से भी तो यही बनी हुई है, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द नेक्स्ट की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, बताइए। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया है, आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 5। अभी पीछे ही तो क्वेश्चन में बताया था मैंने आप लोगों को, यूएसए हुआ, यूएसएसआर हुआ, यूके हुआ, है ना, फ्रांस हुआ, फ्रांस हुआ, और इसके साथ ही जो है यहाँ पर चाइना हुआ। ये 5 कैसे हैं? परमानेंट है यहाँ पर, ठीक है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये परमानेंट है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के भाईचारे और शांति के दर्शन के लिए एक श्रद्धांजलि में संयुक्त राष्ट्र महासभा में
उनकी जयंती घोषित की गई और 2 अक्टूबर के रूप में उनकी जयंती को किस रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर कीजिएगा। उनकी जयंती जो की है यह किस रूप में यहाँ पर मनाई जाती है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा, किस रूप में भाई यहाँ पर मनाई जाती है उनकी जयंती, बताएंगे आप सभी आंसर करके क्या हो जाएगा। चलिए हाँ चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये जो कि डे है यह इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन जो कि है यह है हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा, नॉन वायलेंस डे के रूप में यह मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा ठीक है। गांधी जी की जयंती के ऊपर जो कि महासभा के द्वारा ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है, यहाँ पर 4 संगठनों के नाम दिए गए हैं आपको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में इसका गठन हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 1948 में गठन हुआ है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन हुआ है 1919 में, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन हुआ है 1945 में। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा, आंसर की बात कर लेते हैं तो यह रहेगा ILO ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो यह है जिनेवा में, क्या हो जाएगा जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और IMF की बात कर लेते हैं, वॉशिंगटन DC में है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है, यहाँ पर लिख देती हूँ। और FAO की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा रोम, जो इटली की कैपिटल है रोम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि भाई पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसे कि OPEC के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताइएगा आप सभी। चलिए इसका जो गठन यह है 1960 में हुआ था, लेकिन जो यह इफेक्ट में आया था प्रभाव में, यह 1961 में प्रभाव में आया था ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा वियना ठीक है, क्या रहेगा भाई वियना। और वियना में ही यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, जो कि हमने अभी पीछे ही पढ़ा था ठीक है। चलिए तो रिवाइज करते हुए चलेगा तभी चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए कि भाई वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज, विश्व बैंक के रूप में भी जाना जाता है, विश्व बैंक जो कि है यह किस रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे सभी क्या हो जाएगा भाई, किस रूप में भी इसको जाना जाता है, तो भाई वर्ल्ड बैंक जो कि है इसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि आप लोगों को दिया गया है ए ऑप्शन में, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप है जिसमें कि मोस्ट जो कि इम्पोर्टेंट है वह है आप लोगों का IBRD और दूसरा है IDA ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि है इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए द नेक्स्ट भी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सभी इसमें आंसर करेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, बताइएगा कि विच कंट्री फ्रॉम दी फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, बताएंगे कि भाई संयुक्त इसमें से कौन सा है जो कि परमानेंट सदस्य में यहाँ पर आता है, तो कौन सा है, अभी तो देखे थे हमने सिर्फ 5 ही नेशन है जिसमें कि इनमें से आपको दिया गया है चाइना के बारे में। द नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाए गए एक संकल्प के अनुसार हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, बताएंगे क्या हो जाएगा। कब यह भी मनाया जाता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा 21 सितंबर को यह मनाया जाता है हर वर्ष, तो क्या रहेगा 21 सितंबर। अकॉर्डिंग टू द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर राइट, बताएंगे
बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है बच्चों का, बताएंगे। सुरक्षित पेयजल का, या जीवन स्तर का पर्याप्त होना, या फिर शिक्षा का, या फिर विवाह का, बताएंगे कौन सा अधिकार नहीं है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का उनका अधिकार है, ठीक है। एंड यहाँ पर जीवन स्तर का पर्याप्त चीजों का होना, ये बिल्कुल उनका अधिकार है। शिक्षा का भी उनका अधिकार है, बट विवाह जो की है वह इसमें इंक्लूड आपका नहीं है, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन, ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं है, बट एक्चुअली वह उनके राइट्स में इंक्लूड नहीं है। बाकी तो 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद कहा जाता है ना कि आप स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई। तो इसकी जो स्थापना है यह 1945 में ही की गई थी, और अब तो ये आप लोगों को याद हो ही चुका होगा कि यह आपका रोम में है। द नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक ऋण के साथ देशों की मदद करता है। वर्ल्ड बैंक जो है मतलब ब्याज देने के साथ साथ में और किन चीजों के लिए देशों की मदद करता है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, या स्टिमुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, या फिर टैकलिंग फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस में, या फिर मीटिंग डिफेक्ट इन डेफिशिएट इन गवर्नमेंट बजट में, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यह है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास में यह बैंकों की मदद करता है। द नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में कब आया, बताइए। जो कि यूनाइटेड नेशंस है, यह ऑफिशियल रूप से जो अस्तित्व में आया था वह कब आया था, तो भाई 24 अक्टूबर 1945 में। और 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी यह मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, जापान। जापान नॉन परमानेंट में तो काफी बार शामिल हो चुका है, नॉन परमानेंट में मैक्सिमम टाइम लगभग 12 टाइम्स यह शामिल हो चुका है। और जो नॉन परमानेंट सदस्य है ना 10, उनमें सबसे ज्यादा बार जो देश शामिल हुआ है वह जापान ही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी चीन हुआ यहाँ पे, फ्रांस हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, यह सभी कैसे हैं परमानेंट सदस्य में यह आते हैं। फिप्स एंड ट्रिम्स किससे जुड़ी हुई शर्तें हैं, बताइए, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, किससे जुड़ी हुई यह शर्तें हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा, चलिए चलिए बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो भाई ये जो शर्तें हैं यह है आप लोगों की व्यापार में आती हैं, किसमें आती हैं, व्यापार में, जिसमें कि यदि हम ट्रिप्स की बात कर लेते हैं, ट्रिप्स तो ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स है आप लोगों का ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आप लोगों का देता है। और ट्रिम्स की अगर बात कर लेते हैं, ट्रिम्स तो ये क्या है, यह है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ये आता है आपका इसमें। और दोनों की दोनों जो की टर्म्स है यह आप लोगों की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, कि यह व्यापार संगठन से यहाँ पर आपकी संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वह हमारा रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए द नेक्स्ट अभी हमारा, कि द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड इन, कितने वर्षों के लिए जो कि गैर स्थायी सदस्य होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो ये जब मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी लिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादातर आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, और एक कंप्लीट लेक्चर जब मैं आई थी चैनल पर, तब मैंने कंप्लीट लेक्चर आप लोगों के लिए लिया हुआ है। तो जिन्होंने वो मेरी क्लास नहीं की है वो क्लास कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा कि भाई 2 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। द नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हेडक्वार्टर है, साइट्स है, वो कहाँ पर है, तो यह दी हेग में है, नीदरलैंड के शहर में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब शुरू किया गया था, बताइएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जाना जाया करता था। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में।
फिर इसमें 1994 में इसमें कुछ सुधार किए गए और फिर 1995 में इसे बना दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा कि भाई इसका जो फॉर्मेशन है वह 1995 में हुआ है। और इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है, तो यह है जिनेवा में, ठीक है। नोगोंजी इवेला प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। आंसर कीजिए, बताइए यूनाइटेड नेशंस जो है इसे हमने कब ज्वाइन किया था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा, मैं आप लोगों की कमेंट्स देख रही हूँ, बताएंगे सभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आंसर करके। चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या आप लोगों का आंसर जो है यह यहाँ पे रहेगा फटाफट से। चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखो हमारा देश शुरुआत से ही काफी पीसफुल रहा है, यानी कि शांति प्रिय देश यहाँ पर रहा है, ठीक है। और हमने 30 से 31 अक्टूबर 1945 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे यूएनओ के चार्टर पर, तो हम 1945 में ही इसका सदस्य बन गए थे। द नेक्स्ट है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, दी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ये आप लोगों को बताना है। जिनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है, या फिर वॉशिंगटन में है। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, चलिए सभी के सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, सो वियना में है। इसके फॉर्मेशन की बात की जाए, कब इसका फॉर्मेशन हुआ है, सो 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। यह क्या काम करता है, जो एटॉमिक एनर्जी है ना, तो यह कहता है देशों से कि भाई ठीक है आप यूज कीजिए, लेकिन आप अपने भले के लिए, मानवता के भले के लिए यूज कीजिए, इनका मिस यूज मत कीजिए जो मानवता को हानि पहुंचाए। इसके लिए कंट्रोल के लिए इस संगठन को यहाँ पर बनाया हुआ है। द नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदार जो है वह कौन है, बताइए आंसर करेंगे, जो कि विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है वह कौन है, बताएंगे। महासभा है, या महासभा है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, या सुरक्षा परिषद है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बताएंगे। आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा, चलिए चलिए क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो यह कौन है, तो यह है सिक्योरिटी काउंसिल। भाई सिक्योरिटी काउंसिल का ही तो काम है कि इसे क्या करना है, विश्व में शांति बनाए रखनी है और विश्व में इसे सुरक्षा को बनाए रखना है। वर्तमान में आईबीआरडी में कितने सदस्य हैं, यानी कि इंटरनेशनल, अभी हमने देखा था ना कि इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसकी बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, 189 देश जो है वह इसके सदस्य हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष, पहले तो वैसे डेविड मालपास थे बट अभी चेंज हो चुके हैं, जो कि कौन है यहाँ पर, अजय बांगा है, अजय बांगा, ठीक है याद रखिएगा, अजय बांगा है याद रखिएगा, पहले थे ये फॉर्मर रहे हैं, अब करंट टाइम में है अजय बांगा। द नेक्स्ट है कि भाई विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हेडक्वार्टर है, ये आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए इसका जो हेडक्वार्टर है भाई ये है कहाँ पर है, आंसर करेंगे जिनेवा, बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के संगठन यहाँ पर ही है। इसके बाकी फॉर्मेशन की बात कर ले, इसका जो फॉर्मेशन है यह कब हुआ है, तो यह 1967 में हुआ है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। द नेक्स्ट है, बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही आप आज शाम 7 बजे जुड़ जाइएगा, और आज शाम 7 बजे हम लोग हिस्ट्री का निचोड़ करेंगे, यानी कि हिस्ट्री का रिविजन करेंगे। आप सभी हिस्ट्री की क्लास से जुड़ जाइएगा शाम 7 बजे की, ठीक है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो कि हेडक्वार्टर है यह कहां पर है बताइए। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस संगठन की बात कर लेते हैं तो कहां, क्या आपका आंसर यहां पे रहेगा बताइए। चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, जिनेवा में है। क्या हो जाएगा, इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में है। इसकी भी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो कब हुआ है, 1950 में हुआ है, यानी कि 1950 में यहां पर रहा है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, बताएंगे कि यह कहां पर है, आंसर कीजिएगा बताएंगे। चलिए चलिए आंसर कीजिएगा भाई सभी, क्या हो जाएगा, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए इन शॉर्ट इसे UNODC के नाम से जाना जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, यहां पर इसका हेडक्वार्टर। देन नेक्स्ट है भाई यहां पे हमारा बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है, आंसर कीजिए बताएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद का जो कि मुख्यालय है यह कहां पर है, आंसर कीजिएगा ICC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1909 में इसकी स्थापना हुई है, पहले इसका मुख्यालय लंदन में हुआ करता था, देन बाद में इसका जो मुख्यालय है कहां पर कर दिया गया, दुबई में कर दिया गया, और करंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है वह दुबई में है, ठीक है। ग्रे बार्कले प्रेजेंट टाइम में, ग्रे बार्कले जो भी है प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेजिडेंट है, यानी कि इसके अध्यक्ष है, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके ये बताएंगे कि ICC का जो फॉर्मेशन है यह कहां पर हुआ था, यानी कि गठन कहां पर हुआ था इसके बारे में आप लोग मुझे यहां पर ऑफलाइन कमेंट करके क्वेश्चन में आंसर यहां पर करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही भाई क्लास के बारे में याद रखिएगा, आज शाम को 7 बजे हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो देखो जो हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, ये चीजें तभी आप लोगों को आती हैं जब आप इनका रिवीजन बनाए रखते हो। तो इनके रिवीजन के लिए आप आज शाम को मेरे साथ 7 बजे जुड़ जाइएगा, जिसमें कि हम लोग अप्रोक्स 100 क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। अप्रोक्स मैं लेकर के चलूंगी 100 के आसपास ही। सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने की क्लास को लाइक नहीं किया है सभी के सभी, ठीक है। इसके साथ ही अपने बैच के बारे में भी भाई यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी फिलहाल अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों को 50% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है, और 50% डिस्काउंट के साथ में आप लोगों को 6 महीने और 3 महीने का बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आप सभी मेरे कोड का यूज करके जो कि है SOTY, यानी कि सोनम त्यागी, कोड का यूज करके आप लोग इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए 27 जुलाई तक ही अवेलेबल है, तो भाई इस कोर्स का फायदा यहाँ पर उठाइएगा, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, या फिर MTS की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, या फिर SSC GD कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को अनअकैडमी एप्लीकेशन पर 1 ईयर के लिए कि 2 ईयर के लिए लाइव क्लासेस के साथ में पढ़ाया जाता है, प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इवन आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों को बहुत कुछ चीजें जो है वह मिल जाएगी। चलिए तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं भाई हम लोग शाम को। आप सभी शाम को टाइम से ही क्लास से जुड़ जाइएगा, क्लास को लाइक कर दी, इस क्लास को अपनी को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं शाम को 7 बजे हिस्ट्री के रिवीजन के साथ में, ठीक है। तब तक चलिए भी अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और रेगुलर अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर बनाए रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत।